गाइस, आज मैंने अपना घर बेचने के लिए सबसे बोल दिया है। जो भी खरीद लेगा कम से कम मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। इतनी गरीबी आ गई है कि अपने छोटे भाई सिंचैन को मैं स्कूल भी नहीं पढ़ा सकता। एक मिनट, यहाँ पर किसकी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी, एक काम करना, $15 मिलियन मेरे घर पे भेज देना। मैंने बहुत अच्छा गेम खेला था सर जी। हाँ ठीक है ठीक है, ये मैं आपको वुल्फ की जगह दे रहा हूँ। जल्दी से आइए और मेरे घर पर सारा पैसा भेज दीजिए, ठीक है? गाइस, $15 मिलियन रेड हल्क ने कहाँ से जीत लिए? बोल रहा था इसने कोई गेम खेला था, मुझे इससे पूछना पड़ेगा। अरे रेडल भाई, कैसे हो? क्या बात है, नया घर? क्या मतलब नया घर, अभी तो पुराना ही है, नया करवाना है। मुझे ये बताइए, असल में आपके पास ये $5 मिलियन कहाँ से? अबे बेवकूफ, $15 मिलियन है और आज इज्जत से बात कर रहा है, कुछ तो घोटाला है। प्लीज, मुझे भी अमीर बनना है। अमीर बनना है, ये ले बन अमीर। अरे बाप रे गाइस, ये कैसा अमीर बना रहा है तू मुझे? छोड़ दे मुझे। वो जो भी है मैं तुझे उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैंने जीते हैं $15 मिलियन और एक समय $100 मिलियन जीतूंगा, बन जाऊंगा दुनिया का ह्यूमन अल्टीमेट रडार। गाइस, उसने पीटते पीटते बेवकूफ ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी। इसका मतलब यहाँ पर हमारे शहर में कोई ऐसा इंसान या हल्क है जो टूर्नामेंट करवा रहा है, जो $0 के इंसान या फिर हल्क को पूरा $100 मिलियन का ह्यूमन हल्क बना सकता है। तो गाइस, उसी के पास चलते हैं हम। एक मिनट, यहाँ पर तो रिवेंजर हल्क है और साथ साथ में इतना सारा पैसा, ये तो सोना है गाइस, कितना ही ज्यादा खरा सोना है। मेरे हिसाब से कम ये यहाँ पर 30-40 मिलियन का सोना होगा। और जैसा कि रेड हल्क ने बताया था कि हम अल्टीमेट बन गए तो हमें $100 मिलियन भी मिल सकते हैं। क्या हो गया बच्चे, तो बढ़िया। कुछ भी सही नहीं है सर, मैं अभी पिट के आ रहा हूँ रेड हल्क से। प्लीज मुझे अपने स्कूल भेज दीजिए। उसके लिए वीडियो लाइक करवाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। गाइस प्लीज कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी, नहीं तो ये मिक्स्ड हल्क मुझे भगा देंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, यहाँ पर तुम सबको मैं एक रूल बता देता हूँ। बताइए। यह सारा पैसा जीतना मांगता तो तुमको ये टास्क पूरा करने पड़ेंगे। पहले टास्क में जो भी अच्छा तरह से टास्क खेलेगा उसको $30 मिलियन मिलेंगे, जो कम तरह से खेलेगा उसको कम पैसा मिलेगा। टास्क उसी तरह का है, इन सारे के सारे गोल गोल पहियों में से तुम्हें कूद कूद के परफेक्टली लास्ट तक पहुंचना होगा, वो भी एक मिनट के अंदर। लेट की तो हारोगे, रिवेंजर कभी लेट नहीं होता। गाइस, यहां पे सबसे पहला जो हमारा कंटेस्टेंट है वो तो रिवेंजर ही है। अब देखना ये क्या इन पहियों में से ये बाहर निकलेगा। ये है तो बेचारा पहले बार ही फेल हो गया। चुप कर नूबड़े फ्रैंकलिन, मैं ठीक कर रहा हूं ना। अरे तू गलत कर रहा है, जल्दी कर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं करने की। ये देखो, दो पहियों पे मैं चढ़ गया। और ज्यादा टाइम नहीं है बच्चे, जल्दी करने पड़ेगी तेरे को। गाइस ये क्या, इन पहियों में तो ब्लास्ट भी हो रहे हैं। अरे यार, मुझे यहाँ पे कूदना होगा, वो भी परफेक्टली। नहीं यार, फिर से फेल हो गया मैं। गाइस देखा, रिवेंजर ना एक दो बारी पहिए के तला पर चढ़ पाया है, बाकी तो ये जमीन पे गिर रहा है बार बार। देख लूंगा फ्रैंकलिन, तुझे डिस्ट्रैक्ट मत कर मुझे। ये क्या क्या गया? अरे यार, फिर से फेल हो गया। खैर कोई नहीं, 3-4 पहियों पे से चढ़ गया था। ये बात तो सच है गाइस, रिवेंजर ने 2-3 पहिए तो पास कर लिए थे। उसने तरह का बच्चा मिलेगा पूरा $5 मिलियन। गाइस इसको $5 मिलियन मिल गए 2-3 पहियों पर चढ़ने पर, बहुत ही सही था। लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं ब्लू हल्क क्या करेगा। अरे हम क्या करेगा सर जी, हमारा तो गला भी खराब हुआ पड़ा है, हमको तो अपनी तबीयत ठीक करवानी है, इसलिए जीतना होगा। गाइस बेचारे ब्लू हल्क की तबीयत खराब है, इसीलिए ये पहियों पे चढ़ चढ़कर पैसा जीतना चाह रहा है, जिससे कि अपनी तबीयत ठीक करा ले और अमीर हो जाए। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, एक मिनट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। गाइस बेचारा पहले पहिए पर तो ठीक से जा पाया था, लेकिन दूसरे पहिए पर इसको स्ट्रगल करना पड़ा चढ़ने में। अब देखते हैं बाकी के 3 पहिए और। अरे यार, 3 पहिए हो गए। गाइस इस बार तो बहुत सही कर रहा है, बेचारा फिर से फेल हो गया। अब ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे, फिर से चढ़ गए। लगता है गाइस यहाँ पर हमारा जो ब्लू हल्क है वो लास्ट वाले पहिए को भी पार कर ही लेगा। तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अरे फेल हो गया अभी। अरे सर जी, हमने कोशिश तो की थी लेकिन जा नहीं पाए अंत तक। चलो कोई नहीं, अब हम जितना पैसा जीते हमको उतना दे देना, हम वापस आ रहे हैं फिर से। गाइस यहाँ पे ब्लू हल्क वापस आ गया है और उसने हमारे रिवेंजर से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फिर भी इस बेचारे को ज्यादा पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि ये नूब है। खैर कोई नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे गॉड हल्क जा रहे हैं। मैं वॉर हल्क हूँ, गॉड नहीं। गाइस ये तो बिल्कुल रेड हल्क जैसा साउंड कर रहा है। खैर कोई नहीं, इसने पहले पहिए पे बहुत सही तरह से छलांग मारी लेकिन दूसरे वाले को मिस कर दिया इसने। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है बच्चे फ्रैंकलिन, ये देख दो पहिए तो कूद गए। अरे वाह गाइस, ये तो जादू टाइप का ही कर रहा है, किस तरह से चल रहा है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो तुझे समझ भी नहीं आएगा बच्चा। अरे यार ये पहुंच गया मैं, फिर से नीचे आ गया, क्या हो रहा है? लगता है मेरा साइज ज्यादा बड़ा है। गाइस देख रहे हो, खुद की तारीफ कर रहा है बुराई में भी। इस बार सही पहुंचूंगा, बा कुछ ज्यादा आगे पहुंच रहा है मेरे साथ। अरे बाप रे यार, गाइस ये किस तरह से जा रहा है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी हो जीत, अरे हार गया फालतू में, दिमाग खराब कर दिया मेरा। कोई बात नहीं है, कम से कम दो पहियों पर तो चढ़ पाया था। सर जी आप उसकी कीमत दे दीजिए, तारा कम लगा यहाँ पर $3-4 मिलियन।
पास होकर गया सर जी, यार 3-4 तो मिला। गाइस उसको ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, अब समय आ गया है मेरा। अगर मुझे पहले टास्क में $30 million जीत रहे तो ठीक तरह से पहिए भर जाए। अरे बाप रे गाइस, मेरे पास दो ही चांस थे, एक तो मैंने मिस कर दिया। अगर आप चाहते हैं मैं इस पहिए पर ठीक से पहुंच जाऊं तो प्लीज जल्दी से कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखिए, नहीं तो आज तो मैं गया, बच्चा लास्ट चांस है, नहीं तो भगा दूंगा। अरे 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 प्लीज सर जी, मेरी पावर नहीं आई है, पावर तो दीजिए। ठीक है चल, एक और चांस देता हूं। गाइस प्लीज जल्दी फ्रैंकलिन ओपी लिखो, नहीं तो पता नहीं ये मुझे मार मार के भगा देंगे, एक भी पैसा नहीं जीत पाएंगे। बहुत हो गया, 1-2 ये ले। अरे वाह, मैं तो 2099 बन गया। अब तो गाइस मैं एक भी पहिए को मिस नहीं होने दूंगा, ये सबसे पहले व्हील पर हूं आ गए आराम से, अब सेकंड पे जाना पड़ेगा, कर सकता हूं ज्यादा ऊंचा आ गया। अरे अरे बहुत ही सही गाइस, बहुत बढ़िया बच्चा, लास्ट वाला हो रहा है, ये गया मैं इस पर भी, क्या बात है दोस्तों, मैं सारे पहियों पर सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरह से आ चुका हूं। अब चलिए जल्दी चलते हैं। तोरा का बच्चा मैं मिला पूरा 30 million। 30 million, अरे वाह। लेकिन गाइस अभी हमारा रोड पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें कम से कम $70 million और चाहिए, तब जाके हम 100 million के बन पाएंगे। सही कहा बच्चा तूने, लेकिन उसके लिए तेरे को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टास्क 2 में बहुत खतरनाक लोग आ रहे हैं, बहुत चैंपियन आ रहे हैं, तेरे को ऐसे हरा देंगे, मसल देंगे तेरे को मछली की तरह। ठीक है मैं समझ गया, इतना मत डराइए। तो गाइस फाइनली यहां पे टास्क 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसको भी होस्ट करेंगे मिक्सेड हल्क, और यहां पर मैं 2099 हूं, और यहां पर कीमत रही गई है जीतने की सीधा $70 million। लेकिन परेशानी है, ये एक ऐसा गिलास है जो पूरी तरह से ब्लड प्रूफ है, तो हमें यहां पे प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। तो बच्चा लोग, तुम सबको एक एक करके इस गिलास के अंदर जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे ड्यूरेबिलिटी चेस्ट करूंगा, अगर शीशा टूटा तो गोलियां तुम में लगेंगी और तुम हार सकते हो। हल्क जीतेगा, हल्क को गिलास नहीं बचा पाया तो हल्क भी जीतेगा। गाइस सबसे पहले तो ग्लास हमको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर ग्लास फट गया तो फिर तो हमारी बैंड बच सकती है। सही बोला, जरा मामू अब तेरी बैंड में जाऊंगा, हल्क को कुछ नहीं हो सकता, हल्क पावरफुल है। और मामू ये बहुत खतरनाक गन होती, तेरी बैंड बजा डालती अभी एक सेकंड में। गाइस क्या लगता है आपको, ये लेजर गन क्या इस भारी भरकम हट्टे कट्टे हल्क को हरा पाएगी? यला मामू कैसा उछला, अरे कितना बुरा मार रहे हैं सर जी, मामू बोल बोल के मेरी बैंड बजा दी। गाइस यहां पर देखिए हल्क बहुत ही बुरी तरह से बेटा, लेकिन इसने काफी टाइम तक सर्वाइव कर लिया था, अब देखना ये है कि सर्वाइव करने के बाद इसको कितना पैसा मिलेगा। बच्चा तूने बहुत अच्छा सर्वाइव किया, इसलिए तेरे को मिलता है पूरा यहां पे $1,00,000 कैश। क्या गाइस इसको $1,00,000 मिल दिया, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर मॉन्स्टर ग्रीन हक जा रहा है। और मामू कैसा तू हो? ठीक भैया जी, ठीक एकदम, क्या करने मुझे करंट लग रही है हमको बाबा जी 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 जी। अरे मामू ऐसा ही होता, यहाँ पर तेरे को हारना पड़ेगी, उसके बाद तेरे को पैसा मिलेगा। गाइस यहाँ पर देखिए मिक्सिट हल्क ना लोगों को मैन्युपुलेट करके चाह रहा है कि वो हार जाए, जिससे कि मिक्सिट को कम पैसे देने पड़े। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर ग्रीन हल्क भी बहुत बुरी तरह से बैठा। याला मामू कैसी लगी? मामू हार तो मानना पड़ेगा तेरे को, और मारू क्या? नहीं सर जी बहुत हो गया, प्लीज यार $1 million मिल गया। अब देखना पड़ेगा ये कि ये जो ब्लू हल्क है मॉन्स्टर वाला, ये क्या करेगा, हल्क फिर से जीतेगा। गाइस ये मॉन्स्टर ग्रीन हल्क तो बहुत ही जोश में बोल रहा है हल्क फिर से जीतेगा, लेकिन देखना यहाँ पर ये कि ये लेजर गन क्या इस ब्लू हल्क को हरा पाएगी या नहीं, और ये कितनी देर तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। अरे मामू सबसे पहले ग्लास तोड़ता हूँ। अरे ये हल्क को चक्कर आ गई, चले आया हल्क को चक्कर आ रही है। गाइस हल्क को बेचारे को चक्कर वक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉक्टर मिक्सेड हल्क रुक नहीं रहा है, लगता है हरा कर ही मानेगा। अरे हल्क पिट रहा है, हल्क बहुत बुरा पिट रहा है। अरे बाप रे, ठीक है हल्क हार मानता है, हल्क हार मानता है। गाइस देखिए यहाँ पर मॉन्स्टर ब्लू हल्क के साथ भी कितनी बुरी तरह से अत्याचार हो रहा है यहाँ पर, और लगता है मॉन्स्टर ब्लू हल्क भी हार मानने के लिए तैयार है। क्या बात है मामू, इतनी जल्दी हार गया, बस इतना ही तंता। अरे हल्क हार गया, प्लीज माफ कर दो। तो ठीक है मामू, यहाँ पर तो पूरी तरह से हार चुका है, जब तक जो जमीन पे नहीं लेटेगा वो हार नहीं मान सकता, समझे? तो ठीक है यार, पहले ही जमीन पे लेट जा रहा, फालतू में बैंड बजा दी मेरी। तो मामू तेरे को मिलता $5 million। गाइस उसको $5 million मिला था, अब देखता हूँ मैं अगर जीत गया तो मुझे 70 मिलेगा या नहीं। अरे वाला मामू गाइस मेरा ग्लास तो पहले से टूट गया। अरे बाप रे, ये तो मुझे ही लग रही है सारी चोटें। अरे नहीं, बहुत बुरी लग रही है। क्या बात है यला मियां, बहुत बुरी तरह से मारूंगा मैं तुझे। गाइस यहां पर क्या हो गया, मिक्सिट को उठा उठा के पटक रहा है हमको। यला हाई हो के मारूंगा। गाइस हार्ड हो के मार रहा है ये। अरे बाप रे, क्या बोला मामू, हारता नहीं, बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, लगता है तो यहां पर जीत चुका है। यस गाइस देखा, मैंने यहां पर ना पूरी हिम्मत से मैं डटा रहा और फाइनली मैं जीत चुका हूं।
मजा ही आ गया। बताइए मुझे क्या मिलेगा? तेरे को मिलेगा रिवॉर्ड में पूरा $70 million। गाइस मुझे ना पूरे के पूरे $70 million मिल गए, मजा ही आ गया। और ये देखिए मेरी दी वन एंड ओनली ह्यूमन टू अल्टीमेट रिवेंज और हल्क वाली फॉर्म। गाइस अगर आपको इस तरह के वीडियो और देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।